शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासों और दीगर केसेस में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को मंजमद करने का हुक्म। डीजी नैब लाहौर ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को मंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए। चिन्यूट एनर्जी लिमिटेड, रमजान एनर्जी, क्रिस्टल प्लास्टिक, अल अरेबिया, शरीफ डेयरी, शरीफ मिल्क प्रोडक्शन, रमजान शुगर, शरीफ फीड, शरीफ पोल्ट्री मुजमित इंडस्ट्रीज में शामिल हैं। गैर मुतवाजन सियासी मैदान में हिचकोले खाती पंजाब हुकूमत की कश्ती को एक और झटका। हुकूमत माली साल के मुसलसल चौथे माह भी खसारे से बाहर ना निकल सकी। 27 अरब रुपए के खसारे का सामना। वकला ने मुतालिबात मंजूर होने पर आईजी ऑफिस के बाहर जारी धरना खत्म कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमे में वकला की मर्जी की दफात शामिल कर ली। वकला का पीआईसी के एमएस और डीएमएस को मुअत्तल करने का मुतालिबा। डॉक्टर्स ने अदालत से रिजू किया तो कोई वकील उनकी वकालत नहीं करेगा। इजलास में फैसला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पीआरसी के अमले पर वकला के तशद्दुद की मजम्मत। कहते हैं सफेद और सियाह कोट की आपस में लड़ाई में कोई सदाकत नहीं। वजीर आजम मामले की खुद इंक्वायरी करवाएं। पुलिस दबाव में है, हमारी बात नहीं सुन रही। अस्पतालों में सिक्योरिटी के लिए कानून साजी की जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमाओं की वजीर सेहत पर भी कड़ी तनकीद। बोले डॉक्टर यास्मीन राशिद, अपनी नाकामी का मलबा हम पर डाल रही है। बिजली के बिलों में क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। हाईकोर्ट ने क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट करने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 400 से ज्यादा दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बिलों में क्वार्टर टैरिफ शामिल करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। मियाँ नवाज शरीफ लंदन ब्रिज अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद एवनफील्ड हाउस वापस चले गए। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हुसैन नवाज भी हमरा थे। एमएस सर्विसेज अस्पताल ने नवाज शरीफ से मुतालिक जूनियर डॉक्टर के बयान को मनघड़त करार दे दिया। डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा कहते हैं डॉक्टर तफसीर पहले साल का पीजी ट्रेनी है। मियां नवाज शरीफ को सीनियर रजिस्ट्रार से कम किसी डॉक्टर ने चेक ही नहीं किया। बोले नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक झूठी गुफ्तगु बाइस से शर्म है। शहर में सब्जियों की कीमतों में कमी ना सकी। सरकारी निर्णय और मॉडल बाजार में टमाटर की कीमत 190 रुपए मुकर्रर। सब्जी मंडी में 200 से 230 रुपए फी किलो में फरोख। मार्केट में टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 4 रुपए इजाफा, 197 रुपए फी किलो का हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तैयार किए गए कब्रिस्तान के बायलॉज पर सवालिया निशान। लोकल गवर्नमेंट ने बायलॉज पर एतराज जाहिर कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मंजूरी के लिए बायलॉज पर मजीद तजावीज तलब। कब्रिस्तान बायलॉज के निफाज पर कब्रिस्तान कमेटियों को तहलील करने की तजवीज दे दी गई थी। बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत जारी शेड्यूल मेट्रोपॉलिटन के लिए दर्द सर। जूनियर और सीनियर अफसरान ने आम पे स्केल चार्ज लिया। अहदेदार और जिम्मेदारों का तायुन ना किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में अफसरान के क्या फराज होंगे किसी को मालूम नहीं। डीसी ऑफिस में माली बेजाब किया या मामला कुछ और। डीसी ऑफिस के माली साल 2018-19 के ऑडिट का फैसला। ऑफिस इंतजामिया सालाना ऑडिट में टाल मटोल से काम लेने लगी। डीजी ऑडिट पंजाब कहते हैं टीमों को दोबारा भेजने पर गैर संजीदा रवैया और अदम तावुन किया गया। हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी हुकूमत की साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम के लिए मुसविदा तैयार करने की हिदायत। एफआईए हेडक्वार्टर ने साइबर क्राइम विंग के जोनल अफसरान से तजावीज तलब कर ली। पीआईए के बोइंग 777 तैयारों में से एक में खराबियों का इंकशाफ। खराबियों का हामिल तैयारा रजिस्ट्रेशन नंबर APJ के हामिल है। ब्रेक का दर्जा हरारत दिखाने वाला सिस्टम भी मुबैना तौर पर खराब। GPS और टायर प्रेशर दिखाने वाला सिस्टम। हरबंसपुरा में शोहर के तशद्दुद से खातून के जांबहक होने का मामला। किरण के जांबहक होने से कबल का वीडियो पैगाम सिटी 42 को मौसूल। कामरान मुझ पर पाइप से तशद्दुद करता रहा, कभी डंडे बरसाता तो कभी थप्पड़ मारता था। मकतूला का बयान। वाकये का मुकदमा थाना हरबंसपुरा में दर्ज कर लिया गया।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की खसूसी अदालत का फैसला महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त, दरख्वास्त में दस्तावेजात तस्दीक शुदा नहीं। इस्लामाबाद के रिहायशी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट कैसे सुन सकता है? अदालत का इस्तफसार, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का केस भी तो यहाँ पर सुना गया था। ख्वाजा तारिक रहीम का मौकफ, नवाज शरीफ लाहौर के रिहायशी हैं इसलिए समाअत यहाँ हुई। अदालत का जवाब, दरख्वास्त गुजार के वकील की दरख्वास्त काबिल समाअत होने बारे दलाइल देने की हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। हाईकोर्ट में मॉल रोड पर एहतजाज और धरनों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाप्त, धरना खत्म करने वाले लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म, मुतालिका सेक्रेटरी और डीजी को एतराजात सुनकर मामला हल करने के लिए इकदाम की हिदायत। मॉल रोड पर किसी किस्म की सरगर्मी नहीं होनी चाहिए, जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क, कहा यहाँ मुजाहरे होंगे तो बिरूनी सरमाकार भी मुतासर होगी। सेनेटर फारूक एच नाइक की जेर सदारत जजिस तकरूरी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, जस्टिस मामून रशीद शेख को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी, कमेटी का जजिस तकरूर के लिए कवानीन में तरमीम पर भी इत्तफाक, मुजवजा रूल्स के मुताबिक जज साहिबान को तकरूरी से कबल पार्लिमानी कमेटी को इंटरव्यू देना होगा। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को PSC 1 की चेयरमैनशिप देने का मामला, चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में 7 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, कायमा कमेटियों से ओपोजिशन अराकीन के मुस्ताफी होने और अरकान की कायमा कमेटियों में वापसी और मुतालिबात का जायजा लिया गया। इंतखाबात नहीं होंगे, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ लंदन और मरियम नवाज लाहौर में ही रहेंगी। बोले नवाज शरीफ को NRO नहीं दिया गया, चेयरमैन नैब ने अच्छी बात की कि सबका एहतसाब होना चाहिए, काली भेड़े इमरान खान के साथ हैं तो उनका डबल एहतसाब होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल हुए, इस्लामाबाद से खाली हाथ लौट गए। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल के भाई की PHA में माली बदउनवानियों का मामला, वाइस चेयरमैन का मुस्तफ़ा कमाल को अदायगियाँ रोकने के लिए DG PHA को मुरासला, वाइस चेयरमैन PHA की मुस्तफ़ा कमाल के 2008 से 2018 के मंसूबों का अस्तर नो ऑडिट करने की हिदायत। विफाकी ब्यूरोक्रेसी की ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए होने वाले हाई पावर बोर्ड का मामला, तरक्कियां और पोस्टिंग प्लान मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दिया गया, मंजूरी के बाद तरक्कियों के जाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के 6 अफसरान के तकरर तबादले, SDPO इफ्तार अहमद, SDPO शाहदरा तायुनात, SDPO नदीम यासीन, SDP नॉर्थ कैंट लाहौर मुकर किए गए। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट का कोर्ट लखपत जेल का दौरा, सेशन जज लाहौर का मामूली जराय में मुलविस 20 कैदियों को रिहा करने का हुक्म, सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने बैरिक किचन अस्पताल और फैक्ट्री का भी दौरा किया। अमरीकी सफीर पॉल जोन्स का एहलिया के हमराह मस्जिद वजीर खान का दौरा, अमरीकी सफीर को मस्जिद की तारीख के हवाले से आगाह किया गया, पॉल जोन्स कहते हैं लाहौर का माह का शहर है, मस्जिद वजीर खान की डेवलपमेंट में किरदार अदा करने पर खुशी है। अमरीकी सफीर की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नीदरलैंड की मलका का 3 रोजा दौरे पाकिस्तान, सिविल एविएशन का लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का हुक्म, मलका 27 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेगी, लाहौर में मसरूफ दिन गुजारने के बाद मलका अबूधाबी रवाना होंगी। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर के हमराह हाईकोर्ट बार अहमद चौधरी सरवर कहते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर की इमारत की खस्ताहाली देखकर अफसोस हुआ, वकला के जायज मुतालबात पूरे करने की कोशिश करेंगे, करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया, लोगों को रिलीफ मिलेगा। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने 82 तलबा में व्हील चेयर तकसीम कर दी, वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं हुकूमत फलाही कामों में मसरूफ अमल है, तलबा माजूरी से हौसला मत हारे, हर चीज का नेबल बदल होता है। और OTC लाहौर चैलेंज कप इंतजामिया का सबक स्टार खिलाड़ियों को खराज अकीदत, बेहतरीन कारकर्दगी पर
سابق سٹارز کے ناموں میں ایوارڈ دیے جائیں گے۔ چیئرمین ٹورنامنٹ کمیٹی نے ایوارڈ سابق سٹارز کے نام کرنے کا اعلان کیا۔ سجاد اکبر کہتے ہیں ٹورنامنٹ کے بہترین اسپنر کو عبدالقادر ٹرافی، بہترین فاسٹ بالر کو محمد نثار ٹرافی، بہترین وکٹ کیپر کو امتیاز احمد ٹرافی دی جائے گی، بہترین امپائر کو علیم ڈار ایوارڈ ملے گا۔